सांसद महंत बालकनाथ का कहना है कि अलवर जिले के गरीब व अभाव में खेल रहे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को किसी प्रकार के संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए सांसद कोटे से नहीं अपने स्तर पर खिलाड़ी की सहायता करूंगा और एक टीम खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाओं पर नजर रखेगी और समय समय पर अपनी रिपोर्ट देगी। सांसद महंत बालकनाथ दुर्गा कॉलोनी में रोटरी क्लब अलवर फोर्ट की ओर से नेक कमाई समूह डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित चेक दे इंडिया कार्यक्रम के तहत खुदनपुरी की जूनियर हॉकी टीम को खेल सामग्री वितरण में बोल रहे थे। इस अवसर पर अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से संचालित डॉक्टर गोपाल राय चौधरी आत्मविश्वास केंद्र का उद्घाटन किया और जरूरतमंद महिलाओं को साड़ियां भी वितरित की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सांसद ने खुदनपुरी को बेटियां जो अभावों के बीच राज्य स्तर पर खेल चुकी हैं, इस टीम को हॉकी सहित खेल का पूरा सामान प्रदान किया। इन सभी बेटियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सांसद का स्वागत नेक कमाई समूह की संरक्षक मंजू चौधरी, अग्रवाल दौलतराम हजरती, कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा, जय आनंद गोयल, विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव आशुतोष शर्मा, अर्थशास्त्री प्रोफेसर सत्यभान यादव, गुरुप्रीत सिंह निक्का, कुंती अग्रवाल और बबली शर्मा ने स्वागत किया। आत्मविश्वास केंद्र की संचालिका मीना गोयल ने आभार जताया। रोटरी क्लब अलवर फोर्ट के अध्यक्ष मधुर अग्रवाल ने कहा कि हम जरूरतमंद खिलाड़ियों के लिए कार्य कर रहे हैं, उन्हें हर संभव संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। नेक कमाई समूह की संरक्षक मंजू चौधरी ने कहा कि इस आत्मविश्वास केंद्र पर आधुनिक तरीके से सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे एक परिवार को गुजारा आसानी से चल सकेगा। कार्यक्रम में हॉकी शिक्षक विजेंद्र सिंह नरुका और शिक्षिका सुमन लता का सम्मान किया गया। इस अवसर पर वर्णाराम मीना, जितेंद्र गोयल, पवन जैन, अशोक गुप्ता, एनसी शर्मा, तरुण जैन, मधु यादव, सुमन चौधरी, पूनम गुजर, गगनदीप प्रहलाद आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नेक कमाई समूह के कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि नेक कमाई समूह का यह तीसरा सिलाई केंद्र है जिसमें कुकिंग और सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देखिए, नेक कमाई के समूह के द्वारा ये बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजन किया गया। मेरा तो सौभाग्य है कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला और समाज ने सहयोग कर और नेक कमाई समूह के मार्फत द्वारा ये सभी समाज के महिलाओं को जो गरीब हैं, बच्चे जो गरीब हैं, जिनको उनके अंदर अथाह प्रतिभाएं हैं, उनको खेलने का अवसर देना और खेलने के लिए उनको उस खेल के सभी साधन उपलब्ध कराना और साथ साथ में उनको ट्रेनिंग और मतलब उनका एक तरह से उनकी प्रतिभा को निखारने का काम नेक कमाई समूह की ओर से संचालित किया जा रहा है। हम सब भी आज यहाँ पर पहुँचे हैं माताओं का सम्मान करने, जो माताएं गरीब हैं, जो समाज में एक अवसर के अवसर के प्राप्ति के लिए अवसर उनका अभिलाषा है कि लेकिन नेक कमाई समूह के माध्यम से उनको एक अवसर भी दिया जा रहा है स्वावलंबी बनने की ओर, उनको अच्छी ट्रेनिंग सिलाई मशीन हो या और भी जो रोजगार वो करना चाहें उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था नेक कमाई समूह की ओर से दी जा रही है और बाद में प्रशिक्षण लेने के बाद में उस कार्य को करने के लिए उनको संसाधन भी दिए जा रहे हैं, तो वास्तव में अभिनंदनीय है और मैं तो बहुत ही बहुत शुभकामना देता हूँ पूरे नेक कमाई समूह को और समाज के उन लोगों को भी जिन लोगों ने नेक कमाई समूह के साथ जुड़कर अपना सहयोग इस दान पुण्य के इस कार्यक्रम में लोगों को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया है, उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत शुभकामनाएं।